राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ उत्तर प्रदेश के दर्जनों पदाधिकारी जिला मुख्यालय पहुंचे और यहां उन्होंने एक 5 सूत्रीय मांग पत्र जिलाधिकारी को सौंपा है। जिला मुख्यालय स्थित जिलाधिकारी कार्यालय पर मौजूद ये सभी लोग राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ उत्तर प्रदेश के पदाधिकारी और सदस्य हैं। राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ उत्तर प्रदेश के बैनर तले ये सभी लोग यहाँ पहुंचे हैं। बता दें कि जिलाध्यक्ष कमल प्रताप सिंह भदौरिया के नेतृत्व में ये सभी लोग यहाँ मुख्यालय पर पहुंचे हैं, जिन्होंने एकत्रित होकर एक 5 सूत्रीय मांग पत्र जिला अधिकारी को सौंपा है। इस मांग पत्र में इन्होंने शिक्षकों को 30 कल 30 टल 15 अर्ध अवकाश मानव संपदा पोर्टल पर प्रदान किए जाएं, आपदा बाढ़ बरसात आने की उपलब्धता खराबी की स्थिति में अनुपस्थिति की व्यवस्था समाप्त की जाए, देरी से आने के कारण अंकित किए जाने वाली व्यवस्था कर दी जाए, शिक्षक शिक्षकों को विशेष अवसरों या उनकी स्वयं की शादी माता पिता की मृत्यु के उपरांत संस्कार पति पत्नी की मृत्यु पर विशेष अवकाश स्वीकृत किया जाए, 5 गांव का डिजिटलाइजेशन सर्वर की उपलब्धता के अधीन है, एक ही समय में अधिक लोड से सर्वर क्रैश होने पर वैकल्पिक व्यवस्था का स्पष्ट दिशा निर्देश जारी किया जाए, यह मांगे इन्होंने शामिल की थी। जिलाधिकारी कार्यालय पर 5 सूत्रीय मांग पत्र देने पहुंचे इन लोगों ने और क्या कुछ बताया है, अब जरा यह भी सुनिए। नाम है अपना? मैं कमल भदौरिया। आज आपने जो भदौरिया पार्क पर आए हैं, किन समस्याओं को लेकर ज्ञापन दिया? मैं एक बार पुनः दोहरा दूं, मैं कमल भदौरिया, जिलाध्यक्ष राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ मैनपुरी। पिछले दिनों महानिदेशक बेसिक शिक्षा कंचन वर्मा जी ने एक अव्यवहारिक आदेश जारी किया है, जिसके तहत सुबह 7:45 से लेकर 8 बजे तक हर हालत में प्रत्येक शिक्षक को अपनी अटेंडेंस लगानी है। उस पोर्टल में यह व्यवस्था है कि अगर आप 8 बजे तक अटेंडेंस नहीं लगा पाते हैं तो ठीक 8 बजे स्वतः पोर्टल पर आपकी अनुपस्थित लग जाएगी। इन्हीं अव्यवहारिक आदेश के विरोध में आज मैनपुरी जिले के सैकड़ों शिक्षक तिकोनिया पार्क कलेक्ट्रेट पर उपस्थित हुए हैं। हमारी कुछ व्यवहारिक मांगे हैं। हम ऑनलाइन अटेंडेंस के विरोध में नहीं है, जिसके राज्यसंघ के विरोध में नहीं है, लेकिन उससे पहले शिक्षकों के सामने आने वाली व्यवहारिक समस्याओं को दूर किया जाए। आप लोगों ने देखा होगा पिछले समय में बलरामपुर, गोंडा, मुजफ्फरनगर कई जगह स्कूल तालाब बने हुए हैं, टापू बने हुए हैं, लोग नावों पर बैठकर स्कूल जा रहे हैं। आपने देखा होगा कि कल दो शिक्षक हमारे मृत्यु के काल में चले गए। दो बहनें यहाँ सवेरे रुक हुए तेजी से रिक्शा चलाने के कारण वो रिक्शा पलट गया और उनकी मृत्यु हो गई, वो घायल हो गई। मेरे साथियों, मैं आपका आह्वान करता हूँ कि ये पहला चरण है संघर्ष का, इसके बाद भी अगर अधिकारी नहीं माने, सरकार नहीं मानी, तो अगले चरण में हम सभी पूरे प्रदेश के शिक्षक एक बहुत बड़ी संख्या में विधानसभा का घेराव करेंगे और सरकार को अपनी मांगे मानने पर मजबूर कर देंगे। जय शिक्षक, जय हिंद।